डंडा मारे यार चार पांच बारी, पता है इनके घर वाले थे फोन लेके भाग रहे थे, मेरे को लगा कोई और अंकल है फोन लेके भाग रहे, मैंने ठोक दिया, मैंने तो लड़की की सेफ्टी के लिए किया ना, तो डंडा मार रहा चार पांच बारी मेडिकल करा के भैया मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, नहीं डंडा मार के गलती कर दिया अब आपने, मार के गलती कर दी अंकल आपने, मारा किस से आपने, मारा किस से, मारा किस से आपने, एक सेकंड अरे अंकल हमको नहीं पता ना, अंकल एट अ मोमेंट आपने स्पीड में दे तो हमने रोका, बेटा मैं तो पूछूं आपने कहां से इजी गलत नहीं है ना, आप मान रहे ना हम गलत नहीं है, नहीं मैं गलत नहीं हूं, आप भी गलत हैं हम भी गलत नहीं है, अरे भाई डंडे मार दिए इसने यार खड़े खड़े बता, कोई और लड़का ऐसे करता फिर बोलते कि नहीं अच्छा ही करो तब भी दिक्कत है भाई, इसीलिए कोई बचाता नहीं, सही बात है, नहीं आज की डेट में कोई अच्छा करे तब भी कुछ नहीं है भाई, अपने से मतलब रखो, मतलब भाई डंडे मार दिए हाथ में इतने यार खड़े खड़े बता, मुझे लगा लड़की को छेड़ रहा है मैंने ठोक दिया और क्या, हम ऑन द स्पॉट उसने एकदम से हुआ किया था, कोई नहीं जा रहे हैं अच्छा कीजिए और इसको पिट दी, अरे यार मैंने डंडा मार के गलत करा भाई, डंडा नहीं मारना चाहिए, मारने वाली क्या बात है, खड़े खड़े बात करो आराम से, क्या जो भी हो कोई दूसरा है मतलब नुकसान तो इसका भी होगा, तो इसकी भी ठुकी है गिरा है उसको चोट लगी है, भाई भाई के पैर में चोट भी लग गई, भाई आज की डेट में कुछ अच्छा करो ना तब भी नुकसान हमारा ही होता है भाई, आज ये चीज मतलब देख ली मैंने भाई, हम लिटरली एक अंकल थे उनके फादर थे, हमें नहीं पता था उनके फादर है, एक लड़की का फोन लिया अंकल ने और जा रहे थे वो, मतलब एक्टिव लेके भाग रहे थे, हमने उनको ठोक दिया मतलब रोकने के लिए, फिर भी उन्होंने अंकल हम पे आए कि हमारी बेटी, हमें तो नहीं पता यार उस वक्त मोमेंट में, हमने तो ठोक दिया बस, हमें जो सही लगा उस मोमेंट में, भाई ये क्या है मतलब आज की डेट में मेरे को इतना बुरा लग रहा है ये देख के कि अच्छा करो तब भी सामने से हमको, वो अंकल ने सुनी भी नहीं हमारी बात, तब भी इस बेचारे को बेचारे को मारा है भाई, हम एक्टिवा जाए थे, मेरे साइड में एक लड़की जा रही थी छोटी सी, ठीक है मेरे साइड में एक और दो अंकल भी एक्टिवा से जा रहे थे, उन्होंने उसका फोन छीनने की कोशिश करी, मेरे को लगा फोन उन्होंने छीन लिया, ठीक है मेरे को लगा चोर चोर होंगे, तो मैंने क्या किया एक्टिवा ने उसको ठोक दी उसकी एक्टिवा पे और दोनों हम गिर गए, मेरे को लगा भाई चोर होंगे और हमने पकड़ लिया उनको, पर वो निकले उसके माँ बाप और वो उसका फोन छीन, माँ बाप नहीं पापा और कोई और था, कोई था हम घर वाले थे, ठीक है वो छीन रहे थे, वो अंकल सरदार थे उनका एक डंडा था वो मेरे को मारने लग गए, कह रहे कि तू अरे ठोक दी कह रही ठोक कर दिया, भाई एक भैया तो हमारी साइड ले रहे थे और सामने वाले अंकल कहते कि मेरी पग को हाथ लगा तब तेरे को बताता हूँ, भाई ये क्या मतलब बात करने का तरीका हो यार, ये हम भी रिस्पेक्ट करते हैं तुम्हारी यार, मतलब बड़े हैं तो कुछ भी करेंगे यार, ये चीज गलत है भाई, डंडे मार दिए इसको खड़े खड़े यार, काश वो वीडियो में शायद आया नहीं होगा डंडे मारते हुए, बट बहुत गलत करा यार ये, मतलब मेरे को देख के ना, अभी तो तेरी मम्मी को पता लगा, तेरी मम्मी को पता लगा ना इसकी मम्मी तो जले भी जाएगी लड़ने, वो लड़की वैसे मेरी क्लासमेट है मैं जानता हूँ उसे, मेरी पुरानी फ्रेंड है वो, अभी मैं ज्यादा नहीं बोला, वो भैया तो हमारा साथ दे रहे थे, वो वीटा बूथ वाले भैया हमारे साथ, उन्होंने तो कॉल करती थी पुलिस में, वो तो हमने शांत कर दिया कि भैया रहने दो यार, मैंने बोला भैया को भैया हम भाई यार सही है, फिर भी हमें इतना वो कर रहा है, लड़की की मैंने सेफ्टी का सोचा कि ये लड़की का फोन चुरा के भाग रहे हैं ठोक देता हूं, मैंने अपनी सेफ्टी का नहीं सोचा कि मेरे को लगे कि ना लगे, मैंने बस अपनी एक्टिव उसके एक्टिव पे छोड़ दिया, सब जब चीज समझ आई ना कि हां ये सही कह रहे हैं, निकल गए चुपचाप, उनको पता था कि ये बच्चे सही कह रहे हैं भाई, एज अ सिस्टर हमने उसकी वो करी सेफ्टी करी, और रक्षाबंधन है आज, रक्षाबंधन के दिन हमने इतना अच्छा काम किया और हमको देखो बदले में क्या डंडे मिले हैं भाई, चलो यार बस।